वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड. टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 लेसन नंबर 2 श्याम्स हॉर्स कार्ट. तो आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे यूनिट 6 का. श्याम्स, श्याम यहाँ पे एक बॉय का नाम है. हॉर्स कार्ट यानी ये देखो, ये घोड़ा घाड़ी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स कार्ट. ओके, लेसन नंबर 2 श्याम्स हॉर्स कार्ट. श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर. ऑन द वे मधु एंड मीरा सेड, कैन वी कम? ओ यस, सेड श्याम. श्याम क्या किया? श्याम एक बॉय का नाम है. वो अपनी हॉर्स कार्ट पर बैठ के फेयर यानी क्या, मेला. जैसे मेला लगता है ना, आप लोगों को मालूम है ना, मेला लगता है, मेले में आप लोग जाते हो. तो फेयर में जा रहा था वो अपनी हॉर्स कार्ट में बैठ के, घोड़ा घाड़ी में बैठ के. तो रास्ते में उसको मधु और मीरा मिले. ये देखो दो गर्ल, मधु एंड मीरा, ये दोनों मिले. उन लोगों ने श्याम से कहा, कैन बी कम, क्या हम लोग भी आ सकते हैं आप तुम्हारे साथ? ओ यस, शेड श्याम. श्याम ने कहा हाँ आओ ना, क्यों नहीं आ सकते, आओ. तो श्याम ने उन दोनों को भी अपने साथ मेले में ले जाने के लिए अपनी हॉर्स कार्ट पर बिठा लिया. द डॉग सॉ देम, ही आस्क्ड, कैन आई कम? ओ यस, सेड श्याम. फिर थोड़ा जब लोग आगे गए, मधु और मीरा को श्याम ने अपनी हॉर्स कार्ट पर बिठा लिया. फिर थोड़ा वो लोग आगे गए तो उनको रास्ते में डॉग मिला. डॉग ने भी पूछा कि कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ? तो श्याम ने एक डॉग को भी बोला ओ यस, आओ. और डॉग को भी उसने अपनी हॉर्स कार्ट पर बिठा लिया. अब देखो ये लोग आगे जाते थे. दे वेर गोइंग थ्रू द फील्ड्स, द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर? ओ यस, सेड श्याम. कि वो लोग आगे रास्ते पे गए तो फील्ड यानी क्या, खेत, खेती के रास्ते से वो लोग जा रहे थे. फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत. तो वहाँ पर लोगों को रास्ते में कौन मिला? पिकॉक मिला. तो पिकॉक ने जब उन लोगों को देखा तो पिकॉक ने बोला कि मैं भी आऊँ आप लोग के साथ मेले में? तो श्याम ने बोला ओ यस, श्याम ने बोला हाँ चलो हमारे साथ. श्याम ने पिकॉक को भी अपनी हॉर्स कार्ट में बिठा लिया. पहले श्याम ने किसको बिठाया? मधु मीरा को, उसके बाद डॉग, और अभी पिकॉक को. When they were crossing the river, the frog asked, "Can I come to the fair?" "Oh yes," said all of them. Shyam said, "Come and sit near me." फिर वो लोग अपनी, श्याम अपनी हॉर्स कार्ट आगे लेके गया तो रिवर के पास. उन लोगों को रिवर से क्रॉस करके मेले में जाने का था. तो जब वो लोग रिवर, नदी क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे उन लोगों को फ्रॉग मिला. तो फ्रॉग ने जब देखा कि सब लोग हॉर्स कार्ट पे बैठ के फेयर में जा रहे, तो फ्रॉग ने बोला कि कैन आई कम टू द फेयर, मैं भी तुम लोग के साथ मेले में चलूं? तो सब लोग ने क्या बोले, सब लोग कौन है यहाँ पर? मधु, मीरा, डॉग, पिकॉक. सब लोग ने बोले यस, तुम भी हमारे साथ चलो. और श्याम ने क्या बोला, हाँ आओ, आके मेरे नियर यानी क्या, मेरे पास बैठो. किसको बोला श्याम ने ये बात? फ्रॉग. फ्रॉग को क्या बोला? कम एंड सिट नियर मी, आओ आके मेरे पास बैठो. दे सॉ द फेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस. अभी देखो ये लोग घोड़ा घड़ी मतलब ये हॉर्स कार्ट लेके निकले, तो थोड़ी दूर पे इन लोगों को, थोड़ी दूर से इन लोगों को ये फेयर यानी मेला दिखने लगा. द पीकॉक वॉज सो हैप्पी, इट स्प्रेड इट्स फेदर्स एंड स्टार्टेड डांसिंग. तो जैसे लोगों को थोड़ी दूर से मेला दिखने लगा, जैसे लोगों थोड़ी दूर से मेला दिखने लगा, ये लोग है ना, पिकॉक एकदम खुश हो गई मेला देख के. और मेला देख के पिकॉक क्या करी, अपनी फैदर्स है ना ये, पूरी फैदर्स को स्प्रेड किया, यानी पूरी फैदर्स को फैलाकर डांस करने लगी. कौन? पिकॉक. अब जैसे उसको दूर से मेला दिखा ना, जब लोग जा रहे थे मेले की तरफ तो दूर से मेला दिखा, तो पिकॉक अपनी फैदर्स को पूरा स्प्रेड करके डांस करने लगी. बट वन फैदर टच द डॉग्स ईयर, ही स्प्रैंग अप एंड बार्क लाउडली. अब पिकॉक अपनी पूरी फैदर को स्प्रेड कर दी, तो एक जो फैदर था वो डॉग के ईयर पे लगा. देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो, उसका एक फैदर जो पीस है ना, डॉग के ईयर पे लगा. अब जैसे डॉग के ईयर पे लगा, डॉग एकदम जोर से स्प्रैंग हुआ यानी उछल गया और भौंकने लगा. डॉग एकदम डर गया कि क्या हो गया. ही स्प्रैंग अप एंड बार्क लाउडली. स्प्रैंग यानी क्या, एकदम जोर से. अभी देखो आप लोग भी बैठे हो गए और आपके बहन भाई आके पीछे से आपको ऐसे डरा देते कभी कभी, तो आप भी कैसे डर के उछल जाते हो. तो वैसे डॉग भी एकदम डर के मारे उछल गया और जोर जोर से भौंकने लगा. मधु वॉज फ्राइटेंड, मीरा फेल ऑन द फ्रॉग फेल ऑन द हाउस. और मधु भी डर गई, फ्राइटेंड यानी क्या, डरना. और मीरा क्या हो गई, मीरा फ्रॉग के ऊपर गिर गई, फ्रॉग हाउस के ऊपर गिर गया. द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेड दैट ही रन हेल्टर शेल्टर. अब जैसे ही मतलब यहाँ पे इसका फेदर डॉग के ऊपर लगा, डॉग जोर से भौंकने लगा, तो सब डर गया, सब एक दूसरे के ऊपर गिर गए. और हॉर्स भी एकदम डर गया और यहाँ हवा तेज़ी से भागने लगा. जब हॉर्स डरता है ना, तो वो एकदम तेज़ी से यहाँ हवा भागता है. फिर हम लोग मतलब बैठे के वो भी हम लोग का ख्याल नहीं करता है, तेज़ी से यहाँ हवा भागता है. तो हॉर्स क्या किया, डर के मारे हेल्टर शेल्टर यानी क्या, यहाँ वहाँ तेज़ी से भागने लगा. श्याम फेल ऑफ,
Then Madhu and Meera also fell off. One by one, all of them fell off. अब देखो जब स्लो स्लो हॉर्स कार्ट चल रही थी तो सब आराम से बैठे थे, लेकिन जैसे ही हॉर्स एकदम डर के तेज़ी से भागने लगा तो सबसे पहले शाम नीचे गिर गया, उसके पीछे मधु और मीरा भी गिर गए, फेल यानी गिरना। उसके बाद डॉग भी गिर गया, फ्रॉग भी गिर गया, पिकॉक गिर गया, सब एक के बाद एक के ऊपर एक सब गिर गए। द हॉर्स कैप रनिंग एंड स्टॉप वेन इट रीच नियर द फेयर, और हॉर्स है ना तेज़ी से भागने लगा और जब फेयर के पास यानी मेले के करीब पहुँचा तब जाके हॉर्स वहाँ पर रुक गया। श्याम, मधु, मीरा, द डॉग, द पिकॉक एंड द फ्रॉग वेर ऑल पेंटिंग वेन दे रिच। श्याम, मधु, मीरा, डॉग यानी ये लोग भी तेज़ी से भाग भाग के हॉर्स के पीछे आ रहे थे ना। पेंटिंग का मतलब क्या है? सांस फूलना। अभी आप लोग देखो, आप लोग कभी कभी जल्दी जल्दी फोर्थ फ्लोर चढ़ो या थर्ड फ्लोर चढ़ो तो कैसे आप लोगों की सांस फूलने लगती है, तो उसको बोलते हैं पेंटिंग। तो श्याम, मधु, मीरा, हॉर्स, पिकॉक, फ्रॉग ये सब हॉर्स के पीछे पीछे भाग कर फेयर तक पहुँचे और जैसे वहाँ पहुँचे तो लोगों की सांस फूलने लगी एकदम। टिल देन द हॉर्स बिकम क्वाइट एंड रिलैक्स, तब तक फिर हॉर्स भी थोड़ा रिलैक्स हो गया और शांत हो गया, यानी अभी भागना उसने बंद कर दिया। इन द इवनिंग दे रिटर्न हैप्पीली इन द हॉर्स कार्ट, तो वो लोगों ने पूरे फेयर यानी मेले में एंजॉय करे और शाम को सब खुशी खुशी घर वापस आए। अब आप लोग भी जब कहीं पे भी मॉल जाते हो या मेले में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो तो बहुत खुशी खुशी शाम में घर मतलब एकदम खुश हो जाते हो, एंजॉय करके शाम को घर पर रिटर्न आते हो ना, उसी तरह ये लोग सब लोग ने भी एंजॉय करे और शाम को खुशी खुशी अपने घर पर हॉर्स कार्ट में बैठ कर आ गए। तो दिस इज़ अ लेसन अबाउट शाम हॉर्स कार्ट, कि शाम ने अपने हॉर्स कार्ट में सारे अपने फ्रेंड्स को बिठाया और सबको फेयर यानी मेले में लेकर गया घुमाने के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।